हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, वो भी सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से। तो कैसे बनाना है सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर आपको क्लिंजिंग मिल्क चाहिए और आप कोई बढ़िया सा क्लिंजिंग मिल्क ढूंढ रहे हो तो आप ये ले सकते हो। अरोमा का क्लिंजिंग मिल्क है जो कि बहुत ही इजीली आपके स्किन से डेड स्किन को और गंदगी को रिमूव करता है और इंस्टेंट ग्लो देता है। एंड सबसे अच्छी बात कि इसमें नींबू फ्लेवर है, लेमन आपके फेस की गंदगी को हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अरोमा बहुत ही बेस्ट है, अगर आप फेशियल प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो अरोमा का ले सकते हो। मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ करी, 2-3 साल से, जिससे कि इसका जो ग्लो है फेशियल ग्लो बहुत अच्छा आता है और बहुत सारे कस्टमर्स का किया है और सब बहुत खुश होके गए हैं। तो अगर आपको भी प्रोडक्ट चाहिए अरोमा का तो आप ले सकते हो। इस वाले प्रोडक्ट का लिंक क्लिंजिंग मिल्क का, अरोमा क्लिंजिंग मिल्क का आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेंटर पार्टीशन रख रही हूँ, आपको पार्टीशन रखना है नहीं रखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से कॉम करेंगे अच्छे से, उसके बाद रबर बैंड लगाएंगे। ओके, इस तरीके से रबर बैंड लगा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बैक पिन यूज कर रही हूँ, बालों को ऊपर की तरफ रखेंगे। ओके, और यहाँ पे बैक क्लिप को लगाएंगे और अंदर से पोनी के हेयर को लेके इस तरीके से बैक क्लिप को लगा देंगे। ओके, उसके बाद जो ऊपर के हेयर हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और सिंपली नीचे की तरफ से लेके जाएंगे जिससे कि आपका जो पोनी का हेयर है वो हाइड हो जाए, रबर बैंड जो है आपका। और यहाँ पे यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। यू पिन या बॉबी क्लिप आप आपकी मर्जी है, आप वो ट्राई कर सकते हो जो आपको चाहिए होगा। और दूसरी साइड से भी इस तरीके से हेयर को लेके जाएंगे। थोड़ा सा टाइटली लगा देंगे, दूसरी साइड से भी ऐसे ही लेके आएंगे और यू पिन को टाइटली लगाएंगे। और ऑलमोस्ट हमारा हेयर स्टाइल जो है वो डन होने वाला है। जहाँ भी आपको लगे कि फिनिशिंग की कमी है वहाँ पे आप यू पिन ऐड कर लीजिएगा। और ये है 1 बैक पिन एंड 1 रबर बैंड की मदद से ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप बैगिनर्स हो तो आप ये वाला हेयर स्टाइल बहुत ईजिली बना सकते हो और अपने छोटे पतले हल्के बालों में काफ़ी खूबसूरत सा लुक क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच लेंगे और बनने के बाद कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि हेयर स्टाइल आपको अच्छे से समझ में आई हो और है ना बहुत ही ईजी। और सबसे अच्छी बात कि जो भी मेरे चैनल पे हेयर स्टाइल है सेल्फ हैं, तो आप खुद से बना सकते हो, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने लुक को बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हो। साड़ी के लिए ये सिल्क लो बन काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ट्राई किया, आपके बाल का वॉल्यूम लेंथ कितना है। तो मेरे जितना है तो आप इजीली बना लोगे, बड़ा है तो बहुत प्यारा लगने वाला है ये हेयर स्टाइल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। इंस्टाग्राम वेबसाइट लिंक और प्रोडक्ट की लिंक एंड मेरा सेकेंड चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इजीली मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरी ऑल वेबसाइट और सेकंड चैनल एंड प्रोडक्ट पे इजीली जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो जाके प्रोडक्ट जरूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा है एंड आप इसको यूज करके देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपको रिजल्ट कैसा मिला इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, बाय बाय।